नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। आज मैं आप सबको कुरुस से जो उलन डिज़ाइन बनता है उसके बेसिक बताने जा रही हूँ, जो हर डिज़ाइन में काम आता है। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले चैन स्टिच बनाना होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चैन स्टिच की शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ऊन को इस तरह से उंगली में लपेटते हुए और कुरुस की सहायता से, देखिए यहाँ पे हम इस तरह से दो बार घुमा देंगे और फिर हम इस तरह से ऊन को आगे खींचते हुए लेते हुए इस तरह से इसके बीच से निकाल देंगे। फिर हम अपने कुरुस पर इस तरह से ऊन करेंगे और फिर देखिए इस तरह से निकाल देंगे और देखिए हमारा चैन स्टिच बन गया। और आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है जिसके अनुसार जितना भी लंबा है करना है आप उतना लंबा कर लीजिए। देखिए धागे को इस तरह से करके फिर ऊन को हम कुरुस के ऊपर से लाते हुए नीचे से निकाल लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं चैन स्टिच के बाद दूसरा स्टेप होता है इसके ऊपर लॉन्ग बनाना। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना चैन बना लिया। अब आपको बताने जा रही हूँ कि लॉन्ग कैसे बनता है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन की शुरुआत लॉन्ग से ही होती है। तो पहले देखिए इस तरह से हम ऊन को अपने कुरुस पे लेते हुए जो यहाँ पे चैन बना था उसी में अंदर से हम घुसा करके इस तरह से हम ऊन को निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुरुस पर तीन लाइन दिख रहा है, 1 2 3। तो अब फिर से हम कुरुस पे ऐसे ऊन को खींचते हुए पहले तीन को, ये जो मेरा तीन है पहले उसको हम दो करेंगे। देखिए ये दो हो गया, फिर दो को हम एक करेंगे। उसके बाद ये हो जाने के बाद फिर से हम कुरुस पे ऐसे ऊन लेंगे और ये जो मेरा चैन है यहाँ पे इस तरह से करते हुए देखिए इस तरह से निकालेंगे, फिर तीन को दो और दो को एक करेंगे। इसी तरह से ये लॉन्ग बनता है। और फिर हमें अपने डिजाइन के अनुसार लॉन्ग कहीं दो बनाना पड़ता है, किसी चैन में तीन बनाना पड़ता है, वो भी बता। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि लॉन्ग बनता कैसे है। देखिए इस तरह से हम पहले ऊन को अपने कुरुस पे लेंगे और फिर जो नीचे हमने चैन बनाया था उसमें ऐसे इन करके फिर से धागे ऊन को खींचते हुए देखिए पहले तीन से दो और दो से एक करेंगे। इसी तरह से हमारा ये लॉन्ग बनता है। लेकिन किसी किसी डिज़ाइन में हम देखते हैं कि कभी कहता एक चैन में कहीं पे हमको एक चैन में दो लॉन्ग बनाना, तो देखिए बस इसी तरह इसी जगह हम एक करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर एक चैन लॉन्ग बनाया और फिर इसी में इसी चैन में एक बार और इन करके निकालेंगे तो यहाँ पर मेरा दो लॉन्ग बन जाता है। देखिए इसी तरह हर डिज़ाइन में अलग, कभी एक चैन में दो बनाना है लॉन्ग, कभी पांच बनाना है, वो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक बेसिक बता रही हूँ कि लॉन्ग बनता कैसे है। ये देखिए यहाँ पे फिर से, और मान लीजिए किसी डिज़ाइन में पाँच करना है तो बस हम यहाँ पर इस चैन में यहाँ पर एक छोड़ के इसमें बनाएंगे और यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर हम पांच लॉन्ग बना देंगे। देखिए एक, देखिए यहाँ पे दो, और हम अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अनुसार करेंगे कि हमें डिज़ाइन कौन सा बनाना है। ये तीन, ये चार, और ये देखिए यहाँ पे चार हो गया और ये पांच। और देखिए एक ही जगह एक ही चैन में हमने पांच लॉन्ग बना लिया। कभी कभी किसी डिज़ाइन में हम गोल भी बनाते हैं, तो हम बीच में गोल कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। हम यहाँ पे चैन बना लेंगे और चैन बनाने के बाद जो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नॉट बांधे थे बस उसी में हमको इस तरह से इन करके यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ देने के बाद हम इस तरह से आसानी से फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर आप यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग बना लीजिए।
देखिए यहाँ पे ऐसे, और बस ये देखिए हम लोग का ये राउंड शेप आ जाएगा। देखिए अब फिर इसके बाद आपका जो भी डिजाइन है उसके अनुसार हम जहाँ जो लॉन्ग बनाना है वहाँ दो बनाएंगे, जहाँ तीन बनाना है जहाँ, लेकिन बेसिक यही है गोल का कि हम राउंड बना के पहले हम लॉन्ग बनाएंगे उसमें। देखिए गोल बन गया, इसी तरह से आप बना लीजिए और उसके बाद आप जो भी डिजाइन है उसके ऊपर आप बना सकती हैं। देखिए पहले हम इसे ऊन लेंगे, ऐसे करेंगे और फिर ये तीन से दो और दो से एक, इसी तरह से लॉन्ग बनता है। देखिए कुरुस से उलझन डिजाइन बनाने के लिए यही बेसिक स्टेप्स है, जिसे देखा आपने बनाना कितना ही आसान है, और हम इसी बेसिक से कोई भी उलन डिजाइन बना सकते हैं। और एक बार जब आपको बेसिक आ जाएगा तो उसके बाद अपने आप इसके ऊपर कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं, तो इसके लिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। We'll be right back.